जो भी घटनाक्रम पिछले वर्ष हुआ, कुछ लोगों पे पार्टी अनुशासन के आरोप भी लगे थे, उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट ही जारी नहीं कर पा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी में ही यहां पर असमंजस की स्थिति फिर से पैदा हो चुकी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मन मुटाव तो आपने देखा ही होगा, लेकिन बीते दिन सोनिया गांधी आलाकमान हाईकमान सोनिया गांधी ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिसके बाद अशोक गहलोत खेमे में यहाँ पर नाराजगी साफ तौर पर दिखाई देने लगी। अशोक गहलोत की भी मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के टिकट कटने की बात सामने आई, जिसमें से दो मंत्रियों का और एक दर्जा प्राप्त मंत्री का टिकट कट रहा है। जिसमें नाम का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर मंत्री हैं शांति धारीवाल, महेश जोशी, इन दोनों का टिकट कटने की बात, और दर्जा प्राप्त यहाँ पर राज्य मंत्री की बात करें तो धर्मेंद्र राठौर, यहाँ पर उनका टिकट कट सकता है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। क्योंकि ये तीनों मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में हाईकमान सोनिया गांधी का अपमान किया था, जब यहां पर कांग्रेस विधायकों को लेकर एक बड़ी बैठक की जा रही थी और वहां पर हाईकमान सोनिया गांधी को आना था, तो उस दौरान यहां पर शांति धारीवाल ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि कौन आलाकमान, हमारे तो अशोक गहलोत ही आलाकमान है, हाईकमान है, हम उनकी बात सुनेंगे, हम सोनिया गांधी, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों को नहीं सुनेंगे। जिसके बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी नाराज नजर आई क्योंकि कांग्रेस विधायकों की बैठक यहां पर शांति धारीवाल और जोशी ने पूरी नहीं होने दी। बिना मीटिंग के यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे वापस दिखाई दिए पिछले विधानसभा चुनाव में, और इसी को लेकर सोनिया गांधी ने इस बार यहां पर यह कहा है कि लोगों के टिकट क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों नाम शामिल किया गया है। तो अब यहां पर टिकट कटने की बात साफ तौर पर आ गई है। तो क्या अशोक गहलोत को झटका लग सकता है क्योंकि उनके करीबी और उनके गुट के हैं शांति धारीवाल, अगर यहां पर उनका टिकट कट गया तो यहां पर अशोक गहलोत की ताकत भी कम होगी और सचिन पायलट का कद और भी ज़्यादा बढ़ेगा। क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।